अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 62। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। पूजा की करीब जो है अब्रॉड जाने की समय भी करीब आ जाती है। इससे 2 दिन पहले वो आखिर ऑफिस जाती है और ये लास्ट दिन थी उसके ऑफिस में। और रूही वो भी जम के तैयारी करती है पूजा के साथ जाने के लिए। इधर जैसे ही पूजा ऑफिस आती है, वो थोड़ी सी नर्वस भी थी, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। रूही ने एक मैनेजर जो है हायर की थी ताकि उसके एब्सेंस में, पूजा के एब्सेंस में वो सारी चीज़ हैंडल कर सके। तो उसे वो पूरी काम वगैरह जो है पूरी तरह से समझा रही थी। इधर पूजा की केबिन में मिश्का जाती है, तो मिश्का जैसे ही जाती है तो देखती है पूजा बैठी हुई थी। वो नर्वस थी, वो चुप थी, तो एकदम से वो समझ पा जाती है कि वो नर्वस है। वो जाती है और बोलती है, अरे वो मैडम ये फेस क्यों उतर रही है तुम्हारी? हूँ क्या हुआ, फेस की 12 क्यों बजी रही है, इतनी नर्वस क्यों? पूजा जो है मिश्का की तरफ देखकर बोलती कि नर्वस अब पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है। वहाँ पे जाऊँगी कैसे, क्या करूँगी, नए लोग नए तरीके, तो तरीके वो समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं गई ना आउट ऑफ कंट्री। ऊपर से कंपटीशन वो भी इंटरनेशनल, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। तभी मिश्का हंसती और बोलती कि बाप रे इतनी घबराहट, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जा रही है तब भी तुम्हें घबराहट हो रही है? अरे तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा कवच जा रही है, कुछ नहीं होने देगी तुम्हें, और परेशान तो बिल्कुल मत हो, वो है ना तुम्हारे साथ। और अभी फ़िलहाल तुम लोग जाओ, मैं कुछ एक हफ्ते बाद आ जाऊँगी यहाँ की चीज़ सॉर्ट आउट करके। तभी पूजा बोलती कि बात वो नहीं है, पर तभी वहाँ पे आहाना भी आती है। तो आहाना भी देखती है कि पूजा नर्वस है, तो बोलती अरे तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है, इतनी नर्वस होने की कोई बात नहीं है, अरे हम सब है ना, तू जा तो पहले, तो जा पहले। मैंने ना मम्मी से बात की कि मुझे भी तेरी वो परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है और ये सारी चीज़ है, तो मुझे भी तेरे साथ जाना है, पर वो वीशा वगैरह वो कुछ बात है। तभी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है, मैं एकेडमी में बात करी थी इस बारे में कि मेरे साथ कोई जा सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं एक इंसान को अपने साथ लेके जा सकती हूँ, मैंने बात कर ली थी। बस मैंने आंटी से भी बात की है, तेरी वो पासपोर्ट बस रेडी होने तक का तुझे इंतज़ार करनी होगी, जैसे ही पासपोर्ट मिल जाए तू आ जाना। तभी मिश्का भी हंसते बोलती कि तब तो बात हुई ख़त्म, चलो हम दोनों साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तभी पूजा बोलती कि नहीं इसमें क्या दिक्कत वाली बात होगी। ये तीनों वहाँ पर बात कर रही थी। उधर रूही वो मैनेजर को पूरी तरह से चीज़ें समझाने के बाद वो उठती है और मैनेजर भी वहाँ से चला जाता है। वो रूही उठ के आती है पूजा के केबिन में, वो नॉक करती है तो एकदम से मिश्का बोलती है कौन हो यार आ जाओ। तो रूही जाती है तो मिश्का बोलती है ओ बॉस आई है, हाय हाय बॉस, तो बॉस में तो बड़ी तमीज़ है, मतलब अपने एम्प्लॉय के केबिन में आई है फिर भी नॉक किए, हाय ये तमीज़पन। तभी जो है रूही बोलती कि कुछ ज़्यादा बोल रही है यार, मतलब हो सकता है कि वो बिज़ी हो या फिर उनके साथ कोई हो। तभी एकदम से मिश्का बोलती नहीं नहीं उनके साथ कोई और, भला इतनी मजाल पूजा की। तभी रूही बोलती कि अरे यार क्या क्या है, एक बात पकड़ लियो बस, क्या है? तभी मिश्का बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बस इसको समझा रही है, देख तेरी बंदी क्या मुँह तो देख, इसको देख इसका नर्वसनेस का क्या करें हम बोल। तो रूही भी देखती है तो देखती है हाँ वाकई में पूजा बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो रूही बोलती है अरे क्या हुआ, इतनी परेशानी क्यों फेस पे? अरे आप मुझ पे अपनी सारे परेशानी सारे टेंशन मुझे दे दो और आप सुकून के साथ रहो, आप बस आपका सिर्फ यही चीज़ होगी, सिर्फ डांस, आपका फोकस सिर्फ डांस पे होनी चाहिए, ये परेशानी आप मुझे छोड़ दो, मतलब मेरे पास छोड़ दो, मैं हूँ ना संभालने के लिए ये सारी चीज़ें। तो पूजा हंसती है और बोलती कि हाँ अब आप शुरू हो जाओ, ये दोनों कम थे कि आप भी आ गए लाइन पे।
तभी रूही बोलती कि देखो मैं लाइन पे नहीं हूँ, वो लाइन ही मेरी है, तुम क्या बोल रही हो, मैं क्यों भला लाइन पे रहूँगी, वो तुम्हारी जो लाइन है ना वो मेरी ही है। तभी एकदम से पूजा हंसती है और बोलती कि ये बातें भी ना। तो ये लोग थोड़ी देर बात करती है, पूजा को अब ये होती है कि 2 दिन बाद तो जाने वाली है, लेकिन वो जाने से पहले कम से कम एक बार वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी। लेकिन पूजा ये बात रूही को कैसे बताएगी, यही सोच रही थी, क्योंकि रूही को वो थी कि पूजा की मॉम अगर पूजा को कुछ उल्टी सीधी बात बोलती तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अब रूही पूजा के मन में ये भी थी। तो लंच हो जाते हैं, लंच होने के बाद भी जब शाम होते हैं करीब 3 बजे, रूही जो है वो देखती है कि पूजा थोड़ी सी चुप है, शायद वो अंदर कुछ सोच रही है, उसके मन में कुछ चल रही है। तो एकदम से जो है रूही वो पूजा के पास जाती है और बोलती कि ओ मैडम सुनिए ना, अबे अरे सुनो ना। तभी एकदम से पूजा बोलती जी बोलिए ना क्या। तभी रूही बोलती है इतनी मायूस सी क्यों बैठी हो तुम, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए तुम्हें। तभी पूजा बोलती कि नहीं वो कुछ नहीं छोड़िए ना। तभी एकदम से रूही बोलती है कि क्यों छोड़े, बोलिए देखो हम ऑफिस में हैं, मैंने तुम्हें पकड़ी नहीं है तो छोड़ने की कोई बात तो होती नहीं है। अच्छा ठीक है पहले मैं पकड़ लेती हूँ फिर मैं छोड़ने की सोचूंगी। तभी एकदम से पूजा बोलती है कि क्या आप क्या मतलब उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हो, कुछ नहीं ना मजाक मत करो। तभी रूही बोलती अच्छा ठीक है बाबा मजाक नहीं करेंगे, अरे 2 दिन बाद आपकी फ्लाइट है, आप इतनी परेशानी हो रही हो, मतलब क्या है क्या चाहिए आपको बोलिए। तभी पूजा बोलती कि नहीं ना कुछ नहीं छोड़िए आप। तो वो रूही भी उसको वो चीज़ ज़्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि रूही पूजा बताती ही नहीं है। शाम होते हैं ये लोग घर जाते हैं, घर जाने के बाद ये लोग अपने अपने चीज़ करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। पूजा तो आना के घर पे थी, वो थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह होके घर के काम वगैरह करके ये लोग सारे मिलके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये सो जाते हैं, पूजा रूही से थोड़ी देर फ़ोन पे बात करती और सो जाते हैं ये लोग। अगली मॉर्निंग होती है, अगली मॉर्निंग पूजा को जो है वो नहीं जानी होती है ऑफिस, क्योंकि उसे कुछ काम थी, पैकिंग वगैरह थे, बैग पैक करने थे, वो सारी चीज़ करने लगता है। और एकेडमी में भी कुछ काम थे तो वो अपनी चीज़ें जो है बैग पैक करके रूही आती है उसको लेने के लिए, वो जाते हैं एकेडमी। वहाँ पे कुछ प्रोसीड्योर और होते हैं वो सारे ख़त्म करके ये लोग जब वापस आ रहे थे करीब दोपहर तो हो चुके थे। तो रूही देखती है कि पूजा एकदम शांत थी, पूजा के मन में वो थी कि उसे जाने से पहले अब अपनी मॉम से मिलनी थी, उनको बतानी थी सारी चीज़ें, लेकिन वो कैसे बताती। तभी वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। तभी रूही बोलती अरे आप बोलो तो सही, क्या प्रॉब्लम है, ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे, जानते हो ना मेरे बारे में, हाँ ये चुप्पी आपका, ये चुप्पी मुझे अंदर से मार रही है, प्लीज़ बोलिए ना क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए आपको, क्यों परेशान हो रही हो इतनी, बताओ ना, क्या मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आप अपनी परेशानी बताओ मुझे। हाँ कितनी बार तो समझाया आपको कि अगर आपको कुछ चीज़ परेशान करे आप टेंस रहो तो वो चीज़ मुझसे शेयर करो, क्यों नहीं करती हो, एक चीज़ बार बार बोलनी पड़ती है आपको, हाँ क्यों। तभी पूजा बोलती आप इतनी पहने क्यों कर रही हो, कोई बात नहीं मैं बस जाने से पहले एक बार मम्मी से मिलना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। तो वो एकदम से बोल देती, तो रूही एकदम से गार जो है साइड में ब्रेक करती और बोलती क्या तो ये बात बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी आपको, इतनी सी बात। तभी पूजा बोलती कि पर आपको तो वो पसंद नहीं क्योंकि मैं जाऊंगी मम्मी से बात करूंगी, वो पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेंगे, वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं। तभी रूही बोलती कि अरे इतनी आगे की नहीं सोचती, अरे आप भी ना, मैं भी तो आपको यही बोलने वाली थी कि जाने से पहले एक बार आप मम्मी से मिलना चाहती हो कि नहीं। तभी पूजा देखती है रूही की फेस में, तो पूजा बोलती कि सच में क्या आप यही बोलने वाली थी। तभी वो बोलती कि हाँ मैं तो शाम को ले ले जाना भी चाहती थी आपको आपके मम्मी के मतलब आपके फ्लाइट पे। तभी पूजा बोलती कि सच्ची में, तो रूही बोलती कि हाँ बाबा सच्ची में, मैंने आपकी बहन से भी बात कर ली है।
और हम जाने वाले हैं शाम में, तो वो ज़्यादा वो मत कीजिए अभी फ़िलहाल चले, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है चलिए। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, और आहाना और मिश्का ये लोग ऑफिस में थे, ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद रूही जो है पूजा को बोलती कि ठीक है आपको मैं घर छोड़ती हूँ क्या? नहीं नहीं घर नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ घर, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, या फिर इसी इसी वे में आप जाओगी अपनी मम्मी के घर बताओ। तभी वो बोलती कि नहीं ऐसे भी चल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है फिर चलो। तो वैसे ही उसको लेके वो उसी फ्लैट में जाती है जहाँ पे पूजा की बहन और उसकी मॉम रहती है। वो फ्लैट में पहुँचती है और पूजा इस फ्लैट में पहली बार आई थी। वो फ्लैट को फ्लैट इतनी अच्छी थी, वो देखती रहती है और रूही को दिखता, बोलती है बाप रे बहुत अच्छी है। तभी बोलती कि मेरी नहीं है आपकी है, पता है ना वो हर महीने माइनस हो रहे हैं पैसे। तभी एकदम से पूजा हंसती है और बोलती कि हाँ हाँ मैं बोल नहीं रही हूँ आपको कुछ, टॉन्ट क्यों मार रहे हो आप? तभी एकदम से रूही बोलती कि नहीं नहीं मैं टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, पता चला कि तुम्हारा वो वाली लाइन शुरू हो जाए फिर से कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, आपने ये सब क्यों किया, मेरी आदर्श मेरी उसूल। तभी एकदम से पूजा हंसते बोलती कि आप कितनी बातें करने लगी हो पता है आपको? तभी रूही बोली कि नहीं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करती हूँ बातें, मुझे उतनी बात करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ खुल के जम के बात करती हूँ, अपनी सारी मन की जो सारे बात है मैं तुमसे कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। तभी पूजा हंसते बोलती है अच्छा जी मैं समझ गई अब चलिए। ये लोग जाते हैं, कॉलिंग बेल बजते हैं, तो जैसे बजते तो पूजा की बहन जो है एकदम से ओपन करती है और वो इतनी खुश होती है पूजा को देखो, वो टाइटली वाली हक कर लेती है पूजा को। पूजा भी अपनी बहन को बहुत टाइटली हक करते हैं और बोलती है अरे क्या हुआ? तभी उसकी बहन बोलती कि आई मिस यू दीदी, मुझे पता चला कि आप कल जा रहे हो, शाम को आपकी फ़्लाइट है US के लिए, मैं बहुत खुश हूँ पर दुख भी है कि मैं आपका परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, नहीं देख सकती ना उसी बात के। तभी एकदम से रूही बोलता अरे कोई बात नहीं टीवी पे देख लेना टीवी पे आ जाएगी। तभी उसकी बहन बोलती पक्का टीवी पे आएगी? तो रूही बोलती कि हाँ ना। तो ये लोग जाते हैं, तभी पूजा की नज़र एकदम से जाती है उसकी मॉम वो रूम से निकल के हॉल में आती है और उनकी नज़र भी रूही और पूजा पे पड़ती है। पूजा जैसे ही अपनी मॉम को देखती है वो अपनी बहन से थोड़ी सी साइड होती है और वो आहिस्ता करके आगे जाती है, अपनी मैं मॉम के थोड़ी सी करीब जाती है और वो झुक के जो है पैर छूने लगेगी, लेकिन वो घबरा रही थी कि फिर से अगर उसकी मॉम हट गई तो। वो इसी घबराहट में वो पीछे नहीं जाती, वो पैर को छूने लगती है, लेकिन आज थोड़ी अलग चीज़ होती है, उसकी मैम उसकी जो माँ है वो पीछे नहीं हटती, वो पैर छू लेती है। इस बात से पूजा बहुत शौक थी कि उस वो कभी अपने मॉम के अगर पैर छूना चाहती थी तो छूने नहीं देती थी, वो हट जाती थी और कड़वी बातें बोल देती, लेकिन आज वो इतनी शांत थी पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो पैर तो छू लेती है भले ही उसकी मॉम उसे आशीर्वाद नहीं देते, वो शांत थी। तो पूजा एकदम से जो है उठती है कि झुक के प्रणाम की थी ना, तो उठती है और अपनी मॉम की फेस की तरफ देखती है, उसकी मॉम एकदम शांत है वो कुछ नहीं बोलती। पूजा एक बार अपनी बहन की तरफ देखती है अपनी और रूही की तरफ एक बार देखती है और अपनी मॉम की तरफ एक बार देखती है, तो उसकी बहन जो है बोलती है कि दीदी आओ ना बैठो ना, तो बैठती है। पूजा की मॉम भी हॉल में बैठती है, जैसे ही बैठती है पूजा बोलती है कि मॉम आप ठीक हो? उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है और बस इतना इतनी सी बात बोलती है कि क्यों क्या मुझे देखे नहीं लग रही है क्या कि मैं ठीक नहीं हूँ, आंखें नहीं है क्या तुम्हारी? तभी पूजा बोलती कि नहीं मैं बस पूछ रही हूँ आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, वैसे मैं कुछ कहने के लिए आई हूँ, वो मैं कल वो तभी उसकी मॉम बोलती कि पता है मुझे कि कल तुम यहाँ से इंडिया से रवाना हो रही हो अपने इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, फ्लाइट है कल शाम के बाद, यही बोलने वाली थी क्या? तभी पूजा एकदम शांत हो जाती है और अपनी मॉम की तरफ घूर के देखती है कि उनको कैसे पता, और फिर वो रूही की तरफ देखती है, रूही कुछ नहीं बोलती, वो पूजा की बहन से बात कर रही थी। तभी वो बोलती कि हाँ माँ वो कल कल जाने वाली हूँ और मुझे आपकी वो
आशीर्वाद चाहिए थी। तभी उसके मॉम उसके तरफ घूर के देखते और बोलते कि जब मेरे आशीर्वाद के बिना तुमने ये सब कर लिया तो आगे भी मेरे आशीर्वाद के बिना तुम बहुत सारे चीज़ कर लोगी, है ना? मेरे आशीर्वाद की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती तुम्हें है। तभी रूही जो है वो एकदम से पूजा की मॉम की तरफ देखते और बोलती कि किसने कहा नहीं चाहिए? माँ हो आप, आपके आशीर्वाद की तो सख्त ज़रूरत है इनको। भला अपनी माँ की आशीर्वाद बिना लिए वो कैसे जा सकती? तो पूजा की मॉम ना वो रूही की तरफ नहीं देखती, वो शांत रहती, वो कुछ नहीं बोलती। पूजा को बहुत अजीब लगती कि ये हो क्या रहा है। मतलब वो जब भी अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती उसकी मॉम जो है उसे खरी खोटी सुनाती है, लेकिन आज इतनी शांत कैसे ऊपर से पैर तक छू लिया अपनी मॉम की, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी जो है उसकी बहन उठती है और थोड़ी सी वो बोलती है कि चाय वगैरह लेके आती हूँ। तभी पूजा की मॉम बोलती है कि नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे बैठो, मैं जाती हूँ। पूजा हुआ शॉक्ड कि हो क्या रहा है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है ना। तभी वो उसकी बहन की तरफ देखते वो मुझे चिमटी काट ज़रा। तभी उसकी बहन बोलती कि क्यों? तो पूजा बोलती है नहीं चिमटी काटना, तो वो चिमटी काटती है। तभी बोलती कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मम्मी इतनी शांत क्यों है और मुझे मुझ पर चिल्लाई क्यों नहीं? तभी उसकी बहन बोलती है पता नहीं, शौक तो मैं भी थोड़ी हूँ, पर पता नहीं हो सकती है उनकी तबीयत ख़राब हो, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो आप में चिल्लाए। तभी पूजा घूर के अपनी बहन को देखते और बोलती अच्छा मतलब मुझ पर चिल्लाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो पूजा की बहन बोलती कि हाँ लगता तो वही है, जिस तरह से आपके हमेशा आप पे चढ़ाई करती रहती है तो एनर्जी की भी ज़रूरत पड़नी चाहिए ना। तो पूजा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। रूही वहाँ पे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती, वो चुप रहती है। कुछ देर बाद उसकी बहन चाय नाश्ता, सॉरी जो उसकी मॉम है वो चाय नाश्ता वगैरह लेके आती है और रखती है और सबको देती है। पूजा जो है वो तो अब शॉकिंग हुए में थी कि ये हो क्या रही है, और अपनी मॉम को बड़े घूर घूर के देख रही थी। तभी उसकी मॉम एकदम से बोलती कि क्या हुआ? हाँ आई हो चुपचाप, ये चाय लो पियो, चलती बनो यहाँ से, ऐसे घूर के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा चुप हो जाती है, वो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है, वो चाय लेती है, चुपचाप चाय पीती है। और ये लोग उठते हैं, अब यहाँ पे तो नहीं रहेंगे ना, अब ऐसे सीधा बोल दिया कि चलती बनो तो कौन रहेगी। तो पूजा एकदम से उठती है, वो अपनी बहन को हक करती है, बोलती है प्लीज़ अपना ठीक से ध्यान रखना और मम्मी का भी ठीक से ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे जाने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है? वहाँ पे वो सिम लेनी होगी ना, मैं सिम कार्ड लेके तुम्हें कॉल करूँगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस अपना और मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो उसकी बहन बोलती है हाँ आप ध्यान रखो अपना और इतना मत सोचो, हम ठीक है। और रूही दी है ना, तभी पूछा बोलती कि वो है पर वो मेरे साथ जा रही है ना, तो समझ जाओ बेटा। तो उसकी बहन बोलती है अच्छा ठीक है ना। तभी पूजा अपनी मोम के पास जाती है, वो जाके फिर से वो पैर छूते और एकदम से बोलती कि क्या मैं आपको एक एक बार हक कर सकती हूँ क्या? उसकी मोम जो है कुछ नहीं बोलती, उस चुप्पी को रूही जो है उस चुप्पी को पूजा वो कुछ नहीं समझती है, वो एकदम से आगे जाती है, वो हक करने की पोजीशन में ही जाती है, लेकिन उसकी मॉम पीछे हो जाती है। जैसे ही पीछे पीछे होती है तो पूजा को थोड़ी सी तो बुरी लगती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आज जो शांत थी वही काफ़ी थी उसके लिए। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि ठीक है आप ध्यान रखना अपना और छोटी का भी, ये बोल के वो रूही के साथ निकल जाती है। रूही वो समझ पाती है कि पूजा थोड़ी सी इमोशनल इमोशनल तो हो गई थी, तो एकदम से वो ड्राइव करते हुए एक हाथ वो पूजा की पकड़ लेते और बोलती अब सेंटी मत हो जाइयो प्लीज़, मिल लिया ना आपने, और अच्छी बात है ना कि वो आज आप पे चिल्लाई नहीं। तभी पूजा रूही की तरफ देखते और बोलती कि यही तो बात समझ नहीं आ रही है, मतलब इतनी इतनी मतलब बदलाव कैसे आ गई मम्मी मम्मी पे, क्या किया आपने? तभी रूही घूर के जो है देखती है, बोलती कि आपको हमेशा क्यों लगती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैंने कुछ नहीं की। तभी वो बोलती कि नहीं कुछ तो किया आपने, सच सच बताइए। तो रूही बोलती ज़्यादा मत सोचो और चलो,
घर चलते हैं। अरे यार, मैंने ना बैग पैक नहीं किया, मुझे ठीक से आती नहीं है। वो मिश्का कर लेते हैं, और मिश्का ऑफिस में। तभी पूजा हंसते हुए बोलती कि आपको बैग पैक करनी नहीं आती। तो रुई बोलती कि नहीं ना, प्रॉपर वे में नहीं आती है वो, मिश्का कर देती है, और मैं करती हूँ तो ठीक से नहीं कर पाती है यार। मुझे में उतनी पेशेंस नहीं है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बारीकियों के साथ एक एक चीज़ रखूँ, कौन सी चीज़ नीड होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ समझने में मुझे दिक्कत होती है। तभी पूजा हंसते बोलती कि कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप फ्लैट के वहाँ पे चलो, मैं आपकी बैग पैक कर देती हूँ। तभी रूही बोलती है पक्का आप मेरे साथ चलोगी? तो रूही पूजा बोलती है हाँ पक्का बाबा चलो, इतनी क्यों सोच रही हो आप। तो ये दोनों जो है रूही के फ्लैट पे जाती है। रूही की फ्लैट पे जाते ही जो है वो अंदर जाते हैं, और रूही कमरे में जाते हैं। रूही एकदम से बोलती है ठीक है, वो कवर्ड में है, साइड में देखो वहाँ पे ब्रेकफास्ट है, और साइड में कवर्ड में आपको तो पता ही है मेरे कपड़े वगैरह कहाँ कहाँ रहते हैं, बाकी मैं फ्रेश होके आ जाऊँ। तभी पूजा बोलती हाँ ठीक है जाओ। तो वो जो है बैग निकालती है पहले, और कवर्ड ओपन करती है, और रूही की बहुत सारे कपड़े निकालती है, और एक एक करके जो है बैग पैक करने लगती है, वहाँ पे बैग में अंदर रख रही है। इधर रूही जो है शावर लेती है, और शावर लेके वो एकदम से, वो कपड़े तो नहीं लेके गई थी, बस टावल लेके गई थी, और टावल में ही आ जाती है। जैसे ही आती है इधर, पूजा तो बैग पैक कर रही थी, पूजा की नज़र एकदम से वॉशरूम साइड से जाती है, वो उस साइड पे जाती है जहाँ पे रूही टावल में वो चलती हुई आ रही थी। पूजा उसे देख के बस एक टाक देखने लगती है। रूही ने ठीक से अपने आँख को ड्राई नहीं की थी, मतलब टावल से पोछी नहीं थी, तो वो पानी की बूंदे ना उसकी नेक पे, उसकी फेस पे, उसकी जॉ लाइन से होकर वो सरकती हुई नेक तक आ रही थी। ये चीज़ें देख के पूजा तो एकदम उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। रूही आहिस्ता आहिस्ता करके आती है, वो आके वो एक नज़र पूजा की तरफ देखती है, तो पूजा की जो नज़रें थी ना वो सीधा रूही के नेक पे थी। रूही उसकी नज़र को देख के ही वो अपनी नेक की तरफ देखती है, और बोलती कि क्या हुआ मेरे यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, इस तरह से क्यों देख रही हो आप? हाँ तभी पूछो थी कि नहीं मैं कुछ नहीं देख रही, पर आप भी इस हालत में क्यों आ गई बाहर, मतलब कपड़े नहीं लेके गई क्या? तभी रूही बोलती कि नहीं वो मैं कपड़े नहीं ले गई थी, अरे यार मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो रही थी क्योंकि बाहर से आ रही थी, तो जल्दी शावर लेनी थी तो जल्दी जल्दी चली गई ना वॉशरूम में, नहीं ले गई। क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, आपने तो मुझे इससे बुरी हालत में भी देखिए। तभी पूजा बोलती कि क्या बोलती रहती हो आप, चुप कर जाओ आप, शर्म तो आती नहीं है आपको? तभी रूही एकदम से अपनी दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है, बोलती कि शर्म किस बात की शर्म, आप क्या बोल रही हो ज़रा ये बताओ, शर्म किस बात, आपसे भला किस बात की शर्म करूँ मैं, हाँ जैसे कि आपने मुझे देखा ही नहीं उसी अंदाज में। तो पूजा को इतनी शर्म आ रही थी, वो दूसरी तरफ हो जाती है, बोलती कि बस करो ना, कि कैसी कैसी बातें करती रहती है और इस हालत में। तभी रूही बोलती कि क्यों भाई, मतलब इस हालत में मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती क्या, क्या दिक्कत है, तुम ज़रा इधर देखो मेरी तरफ। तो पूजा बोलती कि नहीं आप पहले पे ये अपनी वो, मतलब खुद को सुखाओ पहले, वो देखो पानी की बूंद है अब भी तो आपके बॉडी में चल रही है। तभी रूही हंसती है, बोलती पानी पानी की बूंदे भला बॉडी में कैसे चल सकती है, तुम भी ना पूजा। तो एकदम से साइड में जाते हैं, और उसी साइड में जो पूजा खड़ी थी उसी साइड में रूही के कपड़े थे, तो उसी साइड में आती है, और एकदम से पूजा की साइड से वो एकदम से हाथ से वो कपड़े को पकड़ती है। लेकिन जिस तरह वो इतनी करीब आ गई थी ना, थोड़ी सी करीब तो आ ही गई थी, पूजा को वो जो शावर लेने के बाद एक महक होती है ना, जैसे ही वो महक को महसूस करती है उसे अब भलसल सी हो रही थी, वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बोलती कि के, 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 क्या कर रहे हो आप? रूही बोलती मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें क्या हो रही है? और ये पसीने कि क्या हुआ, मेरे रूम में एसी चल रही है, मतलब देखो ठंड में भी मैंने वो परफेक्ट, मतलब रूम तापमात्रा के हिसाब से मैंने प्रॉपर हीट कर दी है मीडियम, कि ज़्यादा ठंड भी ना लगे और गर्म भी ना लगे। तो पर
ये तुम्हारी पसीने क्यों आ रही है, जरा बताओ मुझे। तभी वो एकदम से बोलती, नहीं कुछ नहीं, आप पहले जल्दी से कपड़े बदलिए, मैं देखती हूँ, मैं थोड़ी कॉल करके आती हूँ। तभी रूही एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है, वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे खींचती है, जो पूजा है वो सीधा उसकी बाहों में जाके जो है सटक जाती है। रूही उसको कमर से पकड़ती और अपनी तरफ पुल करती है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, भाग क्यों रही हो मुझसे? तभी पूजा बोलती है, देखिए आपके इरादे सही नहीं है, आप मुझे छोड़िए, मैं आपका ये बैग पैक करती हूँ, उसके बाद हमें घर भी जानी है, और मिश्का और आहना भी, उसका भी ऑफिस टाइम ख़त्म होनी ही वाली है, तो आप मुझे छोड़िए। तभी रूही एकदम से बोलती है, क्यों छोड़े, हाँ क्यों छोड़े, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ी हूँ। बोलो क्या क्या प्रॉब्लम है मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? तभी पूछे बोलती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए छोड़िए मुझे, आपकी हरकतें सही नहीं है, छोड़ो मुझे। तभी रूही ना बोलती कि अच्छा मेरी हरकतें सही नहीं है, जब बिना कुछ करे आप मुझे आरोप लगा रही हो तो कुछ करके आरोप लेती हो ना सही तरीके से ढंग के। तो ये बोल के वो एकदम से पूजा की जो है चीक्स पे किस करती, जैसे ही चीक्स करती पूजा एकदम शांत हो जाती है। रूही उसकी फेस की तरफ देखती है और स्माइल करती है, बोलती ये हरकतें सही है ना, अब बोलती बंद हो गई। तो फिर से उसकी दूसरे गाल पे चीक्स पे जो है वो किस करती है। अब जैसे जैसे वो किस कर रही थी, पूजा की फेस पे छोटू सा स्माइल तो आ ही जाती है। तभी रूही बोलती कि ये स्माइल ना इतनी क्यूट है ना, मन कर रही है ना कि कच्चा चबा जाए। तभी पूजा बोलती कि क्या कच्चा चबा जाए, हाँ मैं खाने की चीज़ थोड़ी ना हूँ। तभी रूही बोलती कि वैसे खाने की चीज़ तो हो वो बाय द वे, एंड टेस्टी भी बहुत हो। जैसे ही ये बोलती तो पूजा एकदम से उसके दिल पे मारती, उसे थोड़ी सी पुश करती है, बोलती कि क्या हरकत है जी, ये कैसी गंदी बात है। तभी वो बोलती कि गंदी बात है कहाँ बोली मैंने, अरे अरे क्या बोलती है, देखो आपके लबों पे क्या बोले, मिठास की तो सारे वो जम के है ना, भरपूर मिठास, तो वो उस हिसाब से तो अगर थोड़ी सी सोचेंगे तो। तभी एकदम से पूजा बोलती कि देखो देखिए ये सब की आपकी बात है ना, आप छोड़िए, आपकी बैग पैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, करना आप देख लो एक बार, और फिलहाल आप जल्दी से कपड़े चेंज करो। तो वो थोड़ी सी साइड हो जाती है, रूही फिर से उसको पकड़ती है और बोलती कि अरे सुनो ना, देखो ना मेरी ना मूड बहुत अच्छी है, कि मतलब देखो समझो, ये खाली रूम हम दो कमरे में बंद है, ऊपर से मतलब कोई नहीं है घर पे, और मूड भी बहुत अच्छी है, और सोचो ना। तभी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं ना कुछ नहीं सोचनी, आप हटो मुझसे, मुझसे दूर हटो। तो वो थोड़ी सी पुश करती, लेकिन रूही फिर से उसकी कमर से पकड़ती, अपनी तरफ पुल करती, और इस बार उसकी कमर को थोड़ी सी प्रेस कर देती है, जिससे पूजा की एकदम से आह निकलती है, वो उसकी बाहों में साथ लग जाती है। रूही उसे टाइटली वाली हग करती है, जैसे हग करती है वो रूही की बॉडी से जो अलग सी एक महक आ रही थी, उस महक शायद पूजा को पागल कर रही थी, मदहोश कर रही थी। पूजा उसे हग किए हुए थे थोड़ी देर, ये लोग हग करते, रूही की दिल की धड़कनें भी तेज थी, पूजा जब उसे हग किए थे वो उसकी दिल की धड़कनों को महसूस करती है। तभी रूही जो है आहिस्ता करके उसे छोड़ती है और उसकी तरफ एक ठाक देखने लगती, देखते देखते वो उसकी जो है एकदम से लिप्स पे किस करने ही जा रही थी, कि तभी पूजा पीछे हो जाती है, बोलती नहीं ना प्लीज़। तभी रूही बोलती कि नहीं ना प्लीज़, देखो मेरी हालत पे थोड़ी सी तरस खाइए आप, थोड़ी सी तरस खाइए। तभी एकदम से पूजा बोलती कि अच्छा अगर मैं ना कहूँ तो, अगर मुझे नहीं चाहिए अभी तो। तभी एकदम से रूही जो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और बोलती कि अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आप बिना क्या सोचते रहते हो, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, वो मेरा वो बैग पैक आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपको छोड़ के आऊँगी। ये बोल के वो दूसरी तरफ एकदम से वो छोड़ देती है पूजा के हाथ,
को छोड़ के वो दूसरी साइड पे जाती है और जाके वो अपने कपड़े निकालती है। वो एक और टावल लेके अपनी बाल को जो है ड्राई करने लगती है। पूजा को ये बात जो है वो इतनी अच्छी लगती है कि बस मेरे बोलने से वो पीछे हट गई। एक बार वो होते हैं ना, वो बहुत उसे प्यार भरी नज़रों से एक बार देखती है और देख के वो पीछे से जाके ही रूही को हक कर लेती है। और रूही बोलती है, अरे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी सी आपको छेड़ रही थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ना प्लीज़ शांत रहो, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ, रुको मैं वॉशरूम से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये बोल के वो कपड़े लेती है और जैसे ही जाने वाली होती है तभी पूजा उसकी हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और खींच के सीधा उसकी फेस पकड़ के उसको लिप्स में किस करने लगती है। किस करती है वो पहले अपर लिप में किस करती है, फिर लोअर लिप, थोड़ी सी वो अपनी टांग से थोड़ी सी शरारत भी करती है और फिर जो है थोड़ी सी पीछे होते हुए रूही की तरफ देखती है, उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगाती है और बोलती है, इतनी शरीफ क्यों बनती हो मेरे सामने? तभी रूही बोलती कि मैं कहाँ शरीफ बनती हूँ, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। तभी पूजा बोलती कि बस जो भी हो मेरी हो, याद रखना, ये बोल के उसकी फॉरहेड पे किस करती है और फिर से रूही को किस करने लगती है। रूही भी उसे किस बैक करती है। पूजा किस करते करते एकदम से जो रूही की नेक पे जाती है और वहाँ पे किस करने लगती है। रूही को इतनी वो तलब उठ जाती है, मतलब वो एक्साइटेड, वो एक्टिव हो जाती है। जैसे वो एक्टिव होती है वो सीधा पूजा को अपनी बाहों में उठाती है, एकदम से उसको लेके बेड साइड पे आती है और उसको बेड में रख के उसको पैशनेट वे में उसे किस कर रही थी। किस करते करते वो उसकी नेक पे जाती है, नेक पे किस करती है। जो पूजा ने एक वन पीस पहनी थी जो है, वो वन पीस को एकदम से जो है वो चेन ओपन करती है और जैसे जैसे ओपन कर रही थी वो किस भी साथ साथ किए जा रही थी। उसकी किस अलग ही थी। जो पूजा है वो मदहोश होते जा रही थी, वो भी एक्टिव हो जाती है। वो रूही की एकदम से नेक से पकड़ती है और फिर से उसे किस करने लगती है। दोनों थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है, थोड़ा सा डीप किस होती है वहाँ से, और जो रूही है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वाइल्ड हो जाती है। वो जल्दी जल्दी से जो वो टावल वो अपने ऊपर ओढ़ी थी वो एकदम से ओपन करती है और साइड में फेंकती है। जैसे ही फेंकती है पूजा इतनी प्यार से रूही को देख रही थी क्योंकि रूही की बॉडी फिगर जो है वो मस्त थी, वो एक टक जो है उसको देख रही थी। तभी रूही बोलती कि ऐसे मत देखो यार, मुझे तुम जब ऐसे देखते हो मुझे शर्म आती है। तभी पूजा हंसती है और बोलती, आपको शर्म आती है, आप में वो चीज़ भी है, मुझे नहीं पता थी। तभी रूही बोलती कि देखो इतनी भी मत बोलो, मैं इंसान हूँ, हाँ आती है, पर हमेशा नहीं आती, पर तुम जब भी इस नज़रों से देखती हो ना मुझे थोड़ी थोड़ी वो शर्म आती है, इतनी क्यूट वो है, मैं बोलती है ना। तो पूजा जो है उसकी हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके ऊपर आती है और फिर से उसे किस करने लगती है। बोलती है बहुत क्यूट हो अब, जब इस अंदाज में बोलती हो। वो किस करने लगती है। इधर जो है रूही भी अपने आधे पार करने के लिए वो तैयार थी, वो एकदम से पूजा की जो है एकदम से पीछे से भागी हो खोल दी थी और उसी अंदाज में खोलते हुए उसे किस भी बात कर रही थी। ये लोग थोड़ी से और ज़्यादा डीप रोमेंस में आ जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जो है इधर उधर जो है गिरने लगते हैं। ये दोनों अपनी मोहब्बत में पूरी तरह से लीन हो जाती है। करीब 1.5 घंटे तक जब दोनों ही प्रॉपर वे में इंटीमेट हो जाते हैं, थक जाते हैं एक दूसरे को सेटिस्फाइड करके, तो पूजा जो है वो एकदम से रूही की बाहों में, मतलब उसकी सीने में सर रखती है और उसे हक किए हुए रहती है। रूही की दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ है तब तक। तो पूजा बोलती है कि अब ये शांत तो करो, इसको इतनी धड़क क्यों रही है? तभी रूही बोलती कि ये आप खुद ही बोल लो, क्योंकि ये सुनती तो सिर्फ आप की है, मेरी कहाँ सुनती है, मेरी सुनती तो इतनी ये सब थोड़ी ना होती है। देखो तो धड़क तो ऐसे रही है जैसे कि अभी दिल बाहर निकल के आ जाएगी। तभी पूजा बोलती है नहीं 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 आनी चाहिए बाहर कभी, मेरी है और हमेशा सलामती रहनी चाहिए और मेरी बन के ही रहनी चाहिए। तभी रूही बोलती कि बेशक आखिर तक आपकी ही बन के रहेगी। तो
फोन भरी, एंड आई लव यू सो मच, ये भूल के वो थोड़ी सी झुक के पूजा के फिर जो है फॉरहेड पे किस करती है। पूजा भी कुछ देर तक ये दोनों ऐसे ही हग किए हुए थे, तभी एकदम से पूजा थोड़ी देर बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एकदम से बोलती कि अब उठिए भी, मिश्का के आने की भी वक्त हो गई है, हमें मुझे घर भी जानी है और कल भी तो कुछ काम है और शाम में हमें जो है रवाना भी होनी होती है, प्लीज़। तभी वो बोलती कि रुक जाओ ना मेरे साथ आज प्लीज़। तभी वो बोलती कि नहीं ना उठो आप। तो ये थोड़ी देर बाद ये उठ जाते हैं, उठ के ये लोग फिर से फ्रेश वगैरह होते हैं। अब रूही रेडी हो जाती है, पूजा भी फ्रेश होके वो फिर से रेडी होती है, और तब तक वो रूही की बैग पैक कर ली थी। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और आहना के घर के तरफ आते हैं। जैसे ही आहना के घर के तरफ आते हैं मिश्का की कॉल आती है, तो रूही बोलती है अरे मैं वो आहना के घर पे हूँ, पूजा को छोड़ने जा रही हूँ, मतलब करीब हुई हूँ। तभी मिश्का बोलती है अच्छा तो मैं क्या करूँ। तो बोलती अच्छा तू क्या करेगी, तू क्या करेगी, घर चली जा ना, मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ। तभी वो बोलती कि नहीं मैं आना के साथ आ जाती हूँ, एक साथ जाएंगे। तो बोलती ठीक है। तो वो जाती है आना के घर पे रूही पूजा को लेके, ये लोग जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, और कुछ देर बाद मिश्का और आना भी आ जाती है। ये चारों मिलकर वहाँ पर बात करते हैं, आना की मोम के साथ बहुत सारे बातें वगैरह होती है। तो एकदम सहाना पूजा की तरफ देख के बोलती है यार तू तो चलेगी चली जाएगी ना, मैं जब जाऊंगी तब जाऊंगी, लेकिन यार तेरे बिना मन नहीं लगेगी ना ऑफिस में ना घर में, मैं बहुत मिस करूंगी यार, मेरा क्या होगी आगे ज़रा सोच ना यार, मुझे भी अपनी बैग में लेके चला ना यार रिक्वेस्ट में। तभी एकदम से हाँ पूजा जो है बोलती कि तू इतनी छोटी तो है नहीं कि मैं तुझे अपने बैग में पैक कर सकती हूँ, और कोई बात नहीं, बस जी जब तेरी पासपोर्ट वगैरह आ जाए तू चले जाना, मैं मैम से बात कर ली है, शायद मैम भी हमारे साथ जाएंगे, मैम के एकेडमी से वो चली आएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे ही सब कुछ क्लियर होती है तो आ सकेगी, डोंट वरी। तभी आना बोलती कि क्या है यार। तो आना जैसे जैसे उससे बात कर रही थी ना, आना की नज़र जो है पूजा पे तो थी, तो एकदम से उसको देखती है, देखती है उसकी जॉ लाइन पे ना एक लव बाइट थी, जो रूही जब उसे किस कर रही थी नेक पे, वो जॉ लाइन पे आके थोड़ी सी उसको बाइट कर देती, तो वो निशान ना पड़ जाती है, क्योंकि अब पूजा की स्किन जो है वो भी वाइटिश थी, और वाइटिश में जब हल्की सी भी कुछ चीज़ हो जाती है तो वो रैश आ जाती है। तो ये चीज़ देख के वो बार बार घूर के देख रही थी, तो मिश्का उसके साइड में बैठी थी। मिश्का बोलती कि तुम उसको ऐसे घूर के क्यों देख रही हो जैसे खा जाओगी, हाँ देखो वो उस नज़रों से मत देखो, वो देखो वो हमारी भाभी लगती है, तो देखो मिश्का से मतलब आना सही नहीं है। तभी आना बोलती आप चुप करिए ना, आपकी भाभी है तो क्या हुआ, भाभी है तो मैं कुछ और देख रही हूँ। तभी मिश्का बोलती कि क्या देख रही हो तुम, तो बोलती कि जरा देखो ना इसको, इसकी जॉ लाइन पे क्या वो लपाइट है। तो मिश्का भी एकदम से तुरंत देखती है, और वो देख के ही समझ जाती है, और रूही की तरफ देखती है। रूही तो आना की मॉम के साथ बात कर रही थी, इधर पूजा जो है वो भी बात कर रही थी। मिश्का बोलती कि यार नज़र है या कुछ और तुम्हारी उस वे में, मतलब क्या नज़र है तुम्हारी यार चीते की जैसी। तभी वो बोलती कि हाँ तो क्या, मतलब सामने से दिख रही है, मेरी क्या गलती है, लव बाइट है ना। तो मिश्का हंसती है और बोलती कि लगती तो वही है। तभी जो आना है वो उसकी फेस पे नॉटी से स्माइल आ जाती है, वो पूजा को बड़े प्यार से नॉटी अंदाज में देखती है, तो पूजा भी एकदम से देखती है, और वो दोनों को देखती है, आना और मिश्का को, दोनों के फेस में एक अलग सी स्माइल थी। वो बोलती है आप दोनों को क्या हुआ, ये कैसी नज़रों से देखते हो, मतलब देख के क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। तभी जो है आना एकदम से उठती है, वो जाती है पूजा के साइड में बैठती है, और बोलती कि ये एक एक बात बोलेगी। तभी वो बोलती है हाँ क्या क्या बोलनी है। तभी बोलती एक एक बात सुनना, मतलब तुम लोग खा गए थे, मतलब आज तो मैम भी ऑफिस नहीं गई थी, मुझे ये तो पता है कि वो तुम लोग वो एकेडमी गई हो, उसके बाद कहाँ गई थी ज़रा बताओगे क्या, या फिर यहाँ पे रुके थे। तभी पूजा समझ नहीं पा रही थी, तो बोलती अरे तुम क्या बोल रही हो। तभी ना मिश्का भी उठती हो, मिश्का भी एकदम से उसके बगल में जाती, रूही एकदम से देखती कि इन दोनों को क्या हुआ।
दोनों पूजा के दोनों साइड में जाके बैठ जाती है। मिश्का एकदम से पूजा की हाथ पकड़ते हैं, बोले नहीं नहीं सुनो ना, ये जो तुम्हारी चेहरे पे एक लालिश ही है, वो आखिर कारण क्या है? ये सुकून वाली झलक किस बात की है, ज़रा बताओ क्या क्या हुआ पूरी दिन? जैसे ये बोलती है, पूजा एकदम से दोनों की तरफ घूर के देखते, बोलती है आप दोनों क्या मीन कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही ये बोलते हैं, मिश्का एकदम से उसी जगह पे उसकी जॉलाइन पे एकदम से टच करते हैं, बोलती कि हाय मच्छर ने काट लिया क्या? जैसे ही ये बोलती है, पूजा एकदम से खड़ी हो जाती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है इन दोनों से, और बोलती कि के, 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 क्या है? तभी मिश्का बोलती नहीं कुछ नहीं। पूजा रूही एकदम से देखते, बोलती कि क्या हुआ आप ठीक हो? तभी पूजा रूही की तरफ एकदम से घूर के देखता है, मन ही मन बोलती कि हाँ ठीक है। पूछ तो ऐसे रही है जैसे इनको पता नहीं है, बोल नहीं सकती थी कि यहाँ पे लब्बाई दीदी है, अब ये दोनों मुझे छेड़ेंगे। तभी एकदम से रूही बोलती कि अरे बोलो क्या हुआ? तभी मिश्का एकदम से रूही के पास जाती है, आने की मम एकदम से उठ के बोलती है मैं आती हूँ, तो वो चली जाती है। हाना पूजा के पास खड़ी हो जाती है, इधर मिश्का रूही के पास जाती है और बोलती है बड़े छुपे रुस्तम निकले यार, तभी मैं सोचूं पूरी दिन तुम ऑफिस से गायब कहाँ हो, मेरी फ़ोन तक नहीं उठाया, क्या बात है? मतलब रोमांस में इतनी चूर हो गए थे कि फ़ोन तक उठा नहीं पाए। बेटा आजकल बहुत शरारते बनते जा रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। रूही घूर के देखता, बोलती कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तभी वो बोलती कि नहीं बातें क्या यार, हम तो पूरा पूरा सीन ही देख रहे हैं, ज़रा देखो तो उसकी फेस पे वो लाली, और ऊपर थोड़ी सी नीचे फेस के साइड पे आओ जॉ लाइन पे, वो जो क्यूट सा वो जो लव बाइट तुमने दी हो ना, कितनी प्यार से दिखा रही है वो। जैसे ही ये दिखती है, रूही तुरंत देखती है पूजा की फेस पे, तो वो देखती तो वो एकदम से वो उसको ब्लश करने लगती है। तभी मिश्का बोलती कि हाय रे बंदी क्या ब्लश तो देखो, पूजा देखो तो कितनी क्यूट लग रही है। तो पूजा एकदम से बोलती मत छेड़ो ना प्लीज़, मत छेड़ो प्लीज़। तो बोलती हाँ हम कहाँ छेड़ रहे, पर ये तो बताओ कब किया कहाँ किया? तभी आना भी पूजा को बोलती कि हाँ बता ना कब किया कहाँ किया, मतलब यहाँ पे ही मम्मी नहीं थी क्या? तभी वो बोलती कि छी यार तुम दोनों की बातें हटो। तभी रूही जो है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिश्का की हाथ पकड़ते बोलती कि बहुत हुआ हमें घर जानी है, अब वो पैकिंग वगैरह करनी है। तभी पूजा एकदम से बोलती है किस बात की पैकिंग, पैकिंग तो मैंने कर दी है ना। तभी मिश्का एकदम से वो चीज़ पकड़ते बोलती अच्छा तो ये बात है, मतलब घर गए थे तुम दोनों, हो मतलब वो महफिल तो सजी हुई थी, हम भी गए उनके साथ और महफिल को रंगाना कर दिया, ऐसा है क्या? तभी एकदम से जो रूही हो पूजा को घूर के देखता है, बोलती ये अभी बोलनी थी क्या? पूजा चुप हो जाती है, तो रूही बोलती कि मिश्का प्लीज़ चलेगी क्या? तो मिश्का भी और कुछ नहीं बोलती, बोलती कि हाँ हाँ चल, नहीं छेड़ती। तो ये लोग रूही और मिश्का निकल जाती है, पूजा की तरफ देखती है और बोलती है कि कल कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे शाम में ही मिलूँगी, मतलब फ़्लाइट से पहले 2 घंटे पहले मैं आ जाऊँगी आपको लेने के लिए, आप प्रॉपर तरीके से रेडी बैग पैक वगैरह सब कुछ कर लेना ठीक है। ये बोल के वो चली जाती है। तो आज स्टोरी यही तक है, आगे जानेंगे कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।